पर दर्शन करने के लिए, उनके चरणों में नमन करने के लिए आए हैं। उनके साथ यूपी स्टेट के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी आज हमारे दरमियान पहुंचे। आओ एक बार बुलंद आवाज में गुरु जी का जय घोष करें, बोलिए श्री रविदास महाराज की, सदगुरु स्वामी सर्वनदास महाराज की, अमर श्री संत रामानंद महाराज की, सर्व हेत भगवान की, सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति। तो गुरु प्यारी सात संग जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आज जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन पवित्र 647वें जयंती पर्व, जो के श्री गुरु रविदास जन्मस्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट वाराणसी के चेयरमैन आदरणीय सत्कार जो सतगुरु स्वामी नरंजन दास जी महाराज गुरु जी की पावन पवित्र सरप्रस्ती में बड़ी श्रद्धा पूर्वक मनाए जा रहे हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु स्वामी नरंजन दास जी महाराज गुरु जी का स्वास्थ्य कुछ ठीक ना होने के कारण महाराज जी आज इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं जैसे मन से पहले कह चुका हूं, पहले प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार गुरु रविदास महाराज जी के पावन पवित्र जयंती के शुभ अवसर पर गुरु रविदास महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए गुरु जी की पावन पवित्र जन्मस्थली पर पहुंचे हैं। तो श्री गुरु रविदास जन्मस्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ट्रस्ट के चेयरमैन सतगुरु स्वामी नरंजन दास जी महाराज गुरु जी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनका गुरु जी के पावन पवित्र दरबार पर पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनको जी आया कहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास जी महाराज दुनिया के वो क्रांतिकारी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने समूची मानवता को एकता, समानता, आपस में भाईचारे का, परमात्मा के नाम की भक्ति करने का, संतों की संगत करने का, नशों का त्याग करने का एवं अपने बच्चों को बढ़िया एजुकेशन, बढ़िया विद्या पढ़ाने का पावन मार्ग याद कराया। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन, छोट बड़े सब संभ से रविदास रहे प्रसन्न। गुरु जी ने कहा मैं एक ऐसा राज चाहता हूं जिस राज में सभी को खाने के लिए अन्न, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान हो। उस राज में कोई छोटा बड़ा, गरीब अमीर, किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, सभी इक्वल हो, सभी बराबर हो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ आज माननीय प्रधानमंत्री जी गुरु रविदास महाराज जी के इन संदेशों को, इन उपदेशों को आज जन जन तक लेकर जा रहे हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं निवेदन करूंगा ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी श्रीमान सतपाल हीरा जी के आज के शुभ दिन पर सतगुरु स्वामी नरंजन दास जी महाराज गुरु जी हमारे उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। आज महाराज जी इस कार्यक्रम पे नहीं पहुंचे, तो श्रीमान सतपाल हीर जी माननीय प्रधानमंत्री जी को गुरु दरबार की तरफ से श्रोपा भेंट करेंगे। बोले सोनर पेश रविदास महाराज की, सतगुरु स्वामी सर्वनदास महाराज की, अमर श्री संत रामानंद महाराज की। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, साथ में गुरु दरबार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ निवेदन करूंगा यूपी स्टेट के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आज हमारे दरमियान पहुंचे हैं। आश्रम की तरफ से मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि अक्सर उनकी द्वारा जो जो भी सेवाएं बेनती निवेदन किया गया। बोले ईश्वर निरपेश रविदास महाराज की,
सतगुरु स्वामी सरबंदास महाराज की। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ आज गुरु रविदास महाराज जी को मानने वाले अनुयायी केवल पंजाब हरियाणा या भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व भर में सतगुरु रविदास महाराज जी को मानने वाले अनुयायी हैं और बड़ी गिनती में, लाखों की गिनती में आज श्रद्धालु जन हर साल गुरु रविदास महाराज जी की जयंती पर गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में नमस्तक होने के लिए, दर्शन करने के लिए बड़ी गिनती में एनआरआई संगत आई है। बेनती करूंगा श्रीमान विजय संपला जी, एक्स केंद्रीय मंत्री और एक्स चेयरमैन वे आए, और माननीय प्रधानमंत्री जी आज उनका गुरु दरबार पे पहुंचने पर धन्यवाद और वेलकम करेंगे जी। माननीय श्रीमान विजय संपला, बहुत ही देश के ओजस्वी और क्रांतिकारी और देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाले ऐसे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, और मंच पे आज सिंह उनके साथ प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और संत समाज और पूरे सभी ट्रस्ट की ओर से श्री गुरु रविदास महाराज जी के 647वें इस प्रगट दिवस के ऊपर आप आज इस पवित्र धरा पर आए हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आप देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इस श्री गुरु रविदास महाराज जी की इस जन्मस्थली पे आए हैं। ना सिर्फ आए, आप तीसरी बार लगातार आए हैं, और ये बहुत बड़ा आशीर्वाद भी के रूप में आपने इस संस्थान को आगे नई ऊंचाइयों पे लेके गए। जैसे कि इसका आपने एक विशाल भव्य समार के रूप में यहाँ पे उसको उजागर किया है, और एक आज ही बहुत बड़ी एक जो मूर्ति श्री गुरु रविदास महाराज जी की यहाँ की, जिसका अनावरण किया है, और बहुत सारे यहाँ पे अध्ययन केंद्र का भी आप निर्माण करने जा रहे हैं। लगभग 96 करोड़, जो लगभग 100 करोड़ के करीब इसका जो आज आपने शुरुआत भी की, इसके लिए भी ये पूरा समाज आपका जो है धन्यवादी और आपका ऋणी है। और आप एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पूरे अनुसूचित जाति के लिए हर एक तरफ से जो है उनका सर्वांगीण विकास किया है। आज अगर देखें तो डॉक्टर अम्बेडकर जी के जीवन के साथ संबंधित 5 ऐसे जिनकी जन्मस्थली उनकी, जहां उन्होंने शिक्षा स्थली ली, जहां दीक्षा ली, जहां उन्होंने अंतिम सांस लिया, जहां उन्होंने अंतिम संस्कार किया, ऐसे सभी स्थानों को एक तीर्थ यात्राओं के रूप में, एक तीर्थ स्थानों के रूप में विकसित किया, और डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम से, पंच तीर्थ के नाम से आपने उन सभी स्थानों का बहुत बड़ा निर्माण करके बहुत बड़ा तोहफा इस समाज को दिया है। और जैसे ही हम जानते हैं कि अभी 22 जनवरी को ही भगवान राम जी का मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हुआ, और पूरे देश में बहुत बड़ी उसका एक महानता रही है, मगर उसके साथ ही आपने अनुसूचित जाति के समाज को नहीं भूले। जहां उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का काम कार्य किया, वही उस अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम भी भगवान वाल्मीकि जी के नाम पर रख के बहुत बड़ा तोहफा भी दिया है। ऐसे ही बहुत सारी स्मारकों के इसी स्थान पर भी गुरु रविदास महाराज जी के इस स्थान को बहुत बड़ा एक जो रूप दिया है, और बहुत सारी हमारी दुआएं हैं कि आप हमेशा इस स्थान के लिए आपका आशीर्वाद बना रहना चाहिए। और हम भगवान से प्रार्थना भी करेंगे, सदगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में अरदास विनती भी करेंगे कि जैसे ही आप तीसरी बार आए हैं यहाँ पर, तो भगवान परमात्मा आपको जो तीसरी बार का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, ऐसी हमारी गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में अरदास विनती भी रहेगी। और आप जिस तरह से दलितों के प्रति, अनुसूचित जाति समाज के प्रति जितना दर्द आपके बीच में है, जितनी उसके प्रति आपकी श्रद्धा रही है, यही दलित समाज भी इसके लिए आपके साथ हमेशा इसी तरह खड़ा रहेगा। और ये संस्थान जो
सतगुरु रविदास महाराज जी के जिसके संस्था भी गति निशीन संत निरंजन दास जी हैं, उनका आज स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण वो ट्रेन में बैठे और बैठने के बावजूद जब उनको डॉक्टर ने कहा कि नहीं इनका ट्रीटमेंट हुआ, बाद में ये भी हुआ कि चलो हम बाद में इनको स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से भी लेके जाएंगे, मगर डॉक्टरों की तरफ से वो परमिशन ना होने के कारण वो आज तो रहे, मगर उनकी यही थी कि कार्यक्रम, क्योंकि कार्यक्रम तो मुख्य रूप से 24 तारीख को है, मगर फिर भी ये कार्यक्रम जो है किसी भी तरह से रुकना नहीं चाहिए और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उनका जो धन्यवाद इस ट्रस्ट की ओर से, इस संस्थान की ओर से और जरूर करना है, और ये भी है कि उनको दुआएं भी देनी है कि वो ऐसे ही दलित समाज की सेवा करते हुए आगे बढ़े और यहाँ पर जैसे कि डबल इंजन की सरकार के रूप में उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी इस संस्थान को उनकी देखरेख में ही ये सारा पनप रहा है और बहुत सारे काम अभी और चल रहे हैं, जैसे आज ही आपने अनावरण किया है ऐसे और भी बहुत सारे काम होने अभी बाकी हैं और हम चाहते हैं कि आप चौथी बार भी आओ, चौथी बार भी आशीर्वाद मिले, पांचवी बार भी आओ आशीर्वाद मिले और जितनी बार आओ और ये संस्थान भी आगे बड़े बड़े भूले और गुरु रविदास महाराज जी का आशीर्वाद भी आप सबके बने रहे और दलित समाज आपकी सेवा भी करता रहे और आप उनके गुरुओं की सेवा कर रहे हैं, इस सभी का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका और आपके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी और एमएलसी भूपेंद्र जी और जितने भी साथी आए ट्रस्ट की ओर, जो सभी ट्रस्टी बैठे हैं उन सभी की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत जय गुरुदास, जय तन गुरुदास, जय गुरुदेव तन गुरुदेव, जय भीम जय भारत। बोले ईश्वर नृपः शुक्र रविदास महाराज की। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, आज का पावन दिन बड़ा खुशी का दिन है कि जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जिनका संदेश केवल एक वर्ण, एक संप्रदाय, एक जाति, एक कंट्री के लोगों के लिए नहीं पूरे विश्व भर के लोगों के लिए गुरु जी ने मानवता का संदेश दिया है, तो मैं ज्यादा विस्तार पूर्वक ना जाते हुए निवेदन करूंगा यूपी स्टेट के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आज हमारे दरमियान आए हैं महाराज जी के वे अपने प्रवचनों से आज समूह साध संगत के बीच में अपनी आज गुरु रविदास महाराज जी की जो 647वीं जयंती पर्व पर समूह साध संगत को लाख लाख बधाई दें। सतगुरु रविदास जी की 647वीं जयंती के अवसर पर आयोजित आज के इस पावन कार्यक्रम में उपस्थित काशी के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन के उपाध्यक्ष श्री नवदीप दास जी, पूर्व सांसद और पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग श्री विजय सांपला जी, पूर्व सांसद श्री एस एस ढिल्लो जी, जनरल सेक्रेटरी श्री सतपाल हीरा जी, प्रदीप दास जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, सुखबीर बाघमारे जी, देश के
और दुनिया के कोने कोने से पधारे सद्गुरु रविदास जी महाराज के सभी अनुयायी भक्तगण, उपस्थित बहन और भाइयों, आज काशी की धरती पर सद्गुरु पूज्य संत रविदास जी महाराज की 647वीं पावन जयंती समारोह के आयोजन में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से पूज्य संत सद्गुरु रविदास जी महाराज की इस भव्य प्रतिमा का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अभी बहुत सारे कार्यक्रमों का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित होना है। मैं अग्रिम रूप से सद्गुरु पूज्य संत रविदास जी महाराज के सभी अनुयायियों को, भक्तों को, काशीवासियों को, आप सबको इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आज हम श्री गोवर्धनपुर में आते हैं तो यहां पर हम लोगों को एक नया स्वरूप काशी की ही तर्ज पर देखने को मिलता है। आज से 10 वर्ष पहले यह एक कल्पना थी, विवाद थे। ये जो यहां पे समागम होता है, इतना भव्य समागम, जगह नहीं मिल पाती थी, सड़कें संकरी थी, लेकिन हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनकी दूरदर्शिता, जिनका मार्गदर्शन और जिनके नेतृत्व में आज सद्गुरु पूज्य संत रविदास जी महाराज का पावन तीर्थ एक बार नई भव्यता के साथ, नई दिव्यता के साथ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। और सचमुच इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई। अभी यहां पे सद्गुरु के संग्रहालय का भी शिलान्यास का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। आप देखना कितनी बड़ी प्राचीन विरासत को, ये विरासत जब अगले 3 वर्ष के अंदर ही यहां पे यह संगत सद्गुरु की 650वीं जयंती कार्यक्रम को मनाएगा, तब एक भव्य स्मारक भी यहां पर आपको संग्रहालय के रूप में देखने को प्राप्त होगा। स्वाभाविक रूप से आपने देखा होगा यह देश 1947 में आजाद हुआ। आजादी के पहले भी बोलने के लिए तो बहुत सारे लोग घोषणाएं करते थे, लेकिन सचमुच क्या कार्य हो पाया था? लेकिन आज सही मायने में कोई कार्य कर रहा है। किसी ने जगतगुरु रामानंद जी की शिक्षाओं का, सद्गुरु रविदास जी महाराज की शिक्षाओं का अनुसरण करके व्यवहारिक धरातल पर उतारने का कार्य किया है, तो वह नाम है देश के आज के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। जगतगुरु रामानंद जी ने यही तो बात कही थी कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और यह आज हम सबको देखने को मिल रहा है। समाज में सबका साथ और सबके विकास का यह मंत्र पूरे देश के अंदर हर उस गरीब को जिसके पास सिर ढकने के लिए छत नहीं है, मकान मिल रहा है। जिस गरीब के पास शौचालय नहीं है, उसको शौचालय मिल रहा है। 5 लाख रुपए के आयुष्मान भारत की गारंटी मिल रही है और जीवन की वे सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ ही यहां पे जो भी सांपला जी कह रहे थे,
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों को जो सम्मान दिलाने का कार्य स्वतंत्र भारत के अंदर किया गया, यह भी अद्भुत कार्य पहली बार हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसके लिए पूरा समाज और पूरा देश आपके प्रति आभार व्यक्त करता है, आपका अभिनंदन करता है। और काशी की धरती में तो आपने जो नई प्रेरणा दी है काशी की धरती के माध्यम से देश और दुनिया को, वह अद्भुत है, एक नई मिसाल है। कोरोना कालखंड में हर व्यक्ति इस बारे में कहता था कैसे चलेगा, कैसे होगा, 140 करोड़ भारतीय भारतवासी कैसे आगे बढ़ पाएंगे इस महामारी के सामने, कैसे जीवित रह पाएंगे। लेकिन आज आपने उसी समय फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, फ्री में उपचार की व्यवस्था तो की ही, जो 600 वर्ष पहले सदगुरु ने जो बात कही थी कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। और सचमुच संत रविदास जी की यह उक्ति किसी ने चरितार्थ की तो वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। 80 करोड़ लोगों को 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के मिल रहा है, यह भी पहली बार हुआ है। यह भी सदगुरु के ही कार्यों को जमीनी धरातल पर उतार करके कैसे उनके जीवन को कोरोना से भी लड़ने के लिए और साथ साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए बिना भेदभाव के उनको राशन की सुविधा का लाभ 80 करोड़ लोगों को पूरे देश के अंदर उपलब्ध हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। आज आप एक बार फिर से तीसरी बार इस सीर गोवर्धन में आकर के आपने यहाँ पे सदगुरु रविदास जी महाराज की इस भव्य प्रतिमा और पार्क का लोकार्पण का कार्यक्रम यहाँ पर किया है और कुछ ही देर में संग्रहालय का शिलान्यास का कार्यक्रम भी आपके कर कमलों से संपन्न होगा। आज आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में और आपकी दूरदर्शिता के कारण यहाँ के सारे विवाद समाप्त होकर के पूज्य सदगुरु के प्रति नमन व्यक्त कर रहा है, अपना आभार और अभिनंदन कर रहा है। इस अवसर पर मैं भी प्रदेशवासियों की ओर से और इन सभी भक्तों और अनुयायियों की ओर से भी आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बोलिए श्री रविदास महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद यूपी स्टेट के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन पवित्र 647वें जयंती आगमन पर्व की आप सभी संगत को लाख लाख बधाई दी है एवं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा गुरु दरबार की तरफ से बहुत से जो कार्य हैं वह संगत के ठहरने के लिए लंगर हॉल की व्यवस्था की गई है। और आज सुबह ही महाराज जी का फोन आया है और महाराज जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को कहा भी डेरा सचखंड पल्ला में भी जलंधर में भी दर्शन दे। आज महाराज जी ठीक होने के कारण, उनका स्वास्थ्य ना ठीक होने के कारण आज इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बहुत से कार्य अभी गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर जो लाखों में नहीं आज करोड़ों में गुरु रविदास महाराज जी के अनुयायी हैं उनकी आज गिनती करोड़ों में है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ सत गुरु रविदास महाराज जी के 647वें आगमन पूर्व पर मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आज के शुभ दिन पर जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की 647वीं जयंती पर आप सभी संगत को शुभकामनाएं देंगे, बेनती करूंगा माननीय प्रधानमंत्री। बोलिए श्री रविदास महाराज की। सतगुरु स्वामी सर्वनदास महाराज की। श्री रविदास शक्ति, श्री रविदास शक्ति,
श्री गुरु रविदास शक्ति, जय गुरुदेव। जय गुरु रविदास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, पूरे भारत से यहां पधारे सम्मानित संतजन, भक्तगण और मेरे भाइयों एवं बहनों, आप सभी का मैं गुरु रविदास जी जन्म जयंती के पावन अवसर पर उनकी जन्मभूमि में स्वागत करता हूं। आप सब रविदास जी की जयंती के पर्व पर इतनी इतनी दूर से यहां आते हैं, खासकर मेरे पंजाब से इतने भाई बहन आते हैं कि बनारस खुद भी मिनी पंजाब जैसा लगने लगता है। ये सब संत रविदास जी की कृपा से ही संभव होता है। मुझे भी रविदास जी बार बार अपनी जन्मभूमि पर बुलाते हैं, मुझे उनके संकल्पों को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है, उनके लाखों अनुयायियों की सेवा का अवसर मिलता है। गुरु के जन्म तीर्थ पर उनके सब अनुयायियों की सेवा करना मेरे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं है। और भाइयों बहनों, यहां के सांसद होने के नाते, काशी का जनप्रतिनिधि होने के नाते, मेरी विशेष जिम्मेदारी भी बनती है। मैं बनारस में आप सबका स्वागत भी करूं और आप सबकी सुविधाओं का खास ख्याल भी रखूं, ये मेरा दायित्व भी है। मुझे खुशी है कि आज इस पावन दिन मुझे अपने इन दायित्वों को पूरा करने का अवसर मिला है। आज बनारस के विकास के लिए सैकड़ों करोड़ रुपयों के विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास होने जा रहा है। इससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा और सुखद और सरल होगी। साथ ही संत रविदास जी की जन्मस्थली के विकास के लिए भी कई करोड़ रुपयों की योजनाओं का लोकार्पण हुआ है। मंदिर और मंदिर क्षेत्र का विकास, मंदिर तक आने वाली सड़कों का निर्माण, इंटरलॉकिंग और ड्रेनेज का काम, भक्तों के लिए सत्संग और साधना करने के लिए प्रसाद ग्रहण करने के लिए अलग अलग व्यवस्थाओं का निर्माण, इन सब से आप सब लाखों भक्तों को सुविधा होगी। माघी पूर्णिमा की यात्रा में श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक सुख तो मिलेगा ही, उन्हें कई परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। आज मुझे संत रविदास जी की नई प्रतिमा के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। संत रविदास म्यूजियम की आधारशिला भी आज रखी गई है। मैं आप सभी को इन विकास कार्यों की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मैं देश और दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं को संत रविदास जी की जन्म जयंती और माघी पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज महान संत और समाज सुधारक गाड़गे बाबा की जयंती भी है। गाड़गे बाबा ने संत रविदास की तरह ही समाज को रूढ़ियों से निकालने के लिए
दलितों वंचितों के कल्याण के लिए बहुत काम किया था। खुद बाबा साहब आंबेडकर उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे। गाड़ के बाबा भी बाबा साहब से बहुत प्रभावित रहते थे। आज इस अवसर पर मैं गाड़ के बाबा के चरणों में भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, अभी मंच पर आने से पहले मैं संत रविदास जी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करने, उन्हें प्रणाम करने भी गया था। इस दौरान मेरा मन जितनी श्रद्धा से भरा था, उतनी ही कृतज्ञता से भी भीतर महसूस कर रहा था। वर्षों पहले भी जब मैं न राजनीति में था, न किसी पद पर था, तब भी संत रविदास जी की शिक्षाओं से मुझे मार्गदर्शन मिलता था। मेरे मन में ये भावना होती थी कि मुझे रविदास जी की सेवा का अवसर मिले, और आज काशी ही नहीं देश की दूसरी जगहों पर भी संत रविदास से जुड़े संकल्पों को पूरा किया जा रहा है। रविदास जी की शिक्षाओं को प्रसारित करने के लिए नए केंद्रों की स्थापना भी हो रही है। अभी कुछ महीने पहले ही मुझे मध्य प्रदेश के सतना में भी संत रविदास स्मारक एवं कला संग्रहालय के शिलान्यास का सौभाग्य मिला था। काशी में तो विकास की पूरी गंगा ही बह रही है। साथियों, भारत का इतिहास रहा है, जब भी देश को जरूरत हुई है, कोई न कोई संत, ऋषि, महान विभूति भारत में जन्म लेते हैं। रविदास जी तो उस भक्ति आंदोलन के महान संत थे जिसने कमजोर और विभाजित हो चुके भारत को नई ऊर्जा दी थी। रविदास जी ने समाज को आजादी का महत्व भी बताया था और सामाजिक विभाजन को भी पाटने का काम किया। ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, इस सब के खिलाफ उन्होंने उस दौर में आवाज उठाई थी। संत रविदास एक ऐसे संत है जिन्हें मत, मजहब, पंथ, विचारधारा की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। रविदास जी सबके हैं और सब रविदास जी के हैं। जगतगुरु रामानंद के शिष्य के रूप में उन्हें वैष्णव समाज भी अपना गुरु मानता है। सिख भाई बहन उन्हें बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं। काशी में रहते हुए उन्होंने मन चंगा तो कठौती में गंगा की शिक्षा दी थी। इसलिए काशी को मानने वाले लोग, मां गंगा में आस्था रखने वाले लोग भी रविदास जी से प्रेरणा लेते हैं। मुझे खुशी है कि आज हमारी सरकार रविदास जी के विचारों को ही आगे बढ़ा रही है। भाजपा सरकार सबकी है, भाजपा सरकार की योजनाएं सबके लिए है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मंत्र आज 140 करोड़ देशवासियों से जुड़ने का मंत्र बन गया है। साथियों, रविदास जी ने समता और समरसता की शिक्षा भी दी और हमेशा दलितों, वंचितों की विशेष रूप से चिंता भी की। समानता वंचित समाज को प्राथमिकता देने से ही आती है। इसलिए जो लोग, जो वर्ग विकास की मुख्य धारा से
जितना ज्यादा दूर रह गए पिछले 10 वर्षों में उन्हें ही केंद्र में रखकर काम हुआ है। पहले जिस गरीब को सबसे आखिरी समझा जाता था, सबसे छोटा कहा जाता था, आज सबसे बड़ी योजनाएं उसी के लिए बनी है। इन योजनाओं का दुनिया में सबसे बड़ी सरकारी योजनाएं कहा जा रहा है। आप देखिए, कोरोना की इतनी बड़ी मुश्किल आई, हमने 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन की योजना चलाई। कोरोना के बाद भी हमने मुफ्त राशन देना बंद नहीं किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो गरीब अपने पैरों पर खड़ा हुआ है वो लंबी दूरी तय करे, उस पर अतिरिक्त बोझ न आए। ऐसी योजना इतने बड़े पैमाने पर दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, देश के हर गांव में हर परिवार के लिए मुफ्त शौचालय बनाया। इसका लाभ सबसे ज्यादा दलित, पिछड़े हमारे परिवारों को, खासकर हमारी एससी एसटी ओबीसी माताओं बहनों को हुआ है। इन्हें ही सबसे ज्यादा खुले में शौच के लिए जाना पड़ता था, परेशानियां उठानी पड़ती थी। आज देश के गांव गांव तक साफ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन चल रहा है। 5 वर्षों से भी कम समय में 11 करोड़ से ज्यादा घरों तक पाइप से पानी पहुंचाया गया है। करोड़ों गरीबों को मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड मिला है। उन्हें पहली बार ये हौसला मिला है कि अगर बीमारी आ भी गई तो इलाज के अभाव में जिंदगी खत्म नहीं होगी। इसी तरह जनधन खातों से गरीब को बैंक जाने का अधिकार मिला है। इन्हीं बैंक खातों में सरकार सीधे पैसा भेजती है, इन्हीं खातों में किसानों को किसान सम्मान निधि जाती है, जिनमें से करीब 1.5 करोड़ लाभार्थी हमारे दलित किसान ही हैं। फसल बीमा योजना का लाभ उठाने वाले किसानों में बड़ी संख्या दलित और पिछड़े किसानों की है। युवाओं के लिए भी 2014 से पहली जितनी स्कॉलरशिप मिलती थी, आज हम उससे 2 गुनी स्कॉलरशिप दलित युवाओं को दे रहे हैं। इसी तरह 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत हजारों करोड़ रुपए दलित परिवारों के खातों में भेजे गए, ताकि उनका भी अपना पक्का घर हो। और भाइयों बहनों, भारत इतने बड़े बड़े काम इसलिए कर पा रहा है क्योंकि आज दलित, वंचित, पिछड़ा और गरीब के लिए सरकार की नीयत साफ है। भारत ये काम इसलिए कर पा रहा है क्योंकि आपका साथ और आपका विश्वास हमारे साथ है। संतों की वाणी हर युग में हमें रास्ता भी दिखाती है और हमें सावधान भी करती है। रविदास जी कहते थे, जात पात के फेर मही उर्जी रही सब लोग, मानुष ताकू खात है रैदास जात कर लोग। अर्थात ज्यादातर लोग जात पात के भेद में उलझाते रहते हैं। जात पात का यही रोग मानवता का नुकसान करता है। यानी जात पात के नाम पर जब कोई किसी के साथ भेदभाव करता है तो वो मानवता का नुकसान करता है। अगर कोई
जात पात के नाम पर किसी को भड़काता है तो वो भी मानवता का नुकसान करता है। इसलिए भाई और बहनों, आज देश के हर दलित को, हर पिछड़े को एक और बात ध्यान रखनी है। हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं, और सच्चाई ये है कि लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। आपको याद होगा, गरीबों के लिए शौचालय बनाने की शुरुआत हुई थी तो इन लोगों को उन्होंने इसका भी मजाक उड़ाया था, उन्होंने जनधन खातों का भी मजाक उड़ाया था, इन्होंने डिजिटल इंडिया का विरोध किया था। इतना ही नहीं, परिवारवादी पार्टियों की एक और पहचान है, ये अपने परिवार से बाहर किसी भी दलित आदिवासी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। दलित आदिवासियों का बड़े पदों पर बैठना इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। आपको याद होगा, जब देश में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने के लिए महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव लड़ रही थी तो किन किन लोगों ने उनका विरोध किया था, किन किन पार्टियों ने उन्हें हराने के लिए सियासी लामबंदी की थी, वे सब की सब यही परिवारवादी पार्टियां आई थी जिन्हें चुनाव के समय दलित पिछड़ा आदिवासी अपना वोट बैंक नजर आने लगता है। हमें इन लोगों से इस तरह की सोच से सावधान रहना है। हमें जातिवाद की नकारात्मक मानसिकता से बचकर रविदास जी की सकारात्मक शिक्षाओं का पालन करना है। साथियों, रविदास जी कहते थे, 100 वर्ष लो जगत मही जीवत रही करू काम, रविदास कर्म ही धर्म है कर्म करहु निह काम। अर्थात 100 वर्ष का जीवन हो तो भी पूरे जीवन हमें काम करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही धर्म है। हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। संत रविदास जी की शिक्षा आज पूरे देश के लिए है। देश इस समय आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। पिछले वर्षों में अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रखी जा चुकी है। अब अगले 5 साल हमें इस नींव पर विकास की इमारत को और ऊंचाई देनी है। गरीब वंचित की सेवा के लिए जो अभियान 10 वर्षों में चले हैं, अगले 5 वर्षों में उन्हें और भी अधिक विस्तार मिलना है। ये सब 140 करोड़ देशवासियों की भागीदारी से ही होगा। इसलिए ये जरूरी है कि देश का हर नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करे। हमें देश के बारे में सोचना है। हमें तोड़ने वाले बांटने वाले विचारों से दूर रहकर देश की एकता को मजबूत करना है। मुझे विश्वास है कि संत रविदास जी की कृपा से देशवासियों के सपने जरूर साकार होंगे। आप सभी को एक बार फिर संत रविदास जयंती की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री रविदास महाराज की जय। सतगुरु स्वामी सर्वनदास महाराज की जय। अमर श्री संत रामानंद महाराज की जय। सर्व पेख भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने सतगुरु रविदास महाराज जी की आज 647वीं जयंती पर्व पर समूह साध संगत को मुबारकबाद दी है और दर्शन देने पहुंचे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी आज गुरु जी के पावन दरबार में पहुंचे हैं। तो निवेदन करूंगा जो के सत्संग